हेलो फ्रेंड्स, यदि आपने दूरबीन का ऑपरेशन करवाया है और अब उसके बाद आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, तो आपके दिमाग में कहीं ये सवाल तो नहीं आ रहा कि कहीं मेरा अबॉर्शन हो जाएगा और मुझे उससे कैसे बचना चाहिए। तो ये हमसे सवाल कई बार यूट्यूब के वीडियोस के साथ में पूछा गया है, जिसका जवाब हम आज यहाँ देने जा रहे हैं कि लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन होने के बाद अबॉर्शन से अपना बचाव कैसे करें, यानी कि प्रेगनेंसी को, हेल्दी प्रेगनेंसी को कैसे कैरी ऑन किया जाए और अबॉर्शन के चांसेस को कम किया जा सके। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये समझना है कि आपका जो दूरबीन का ऑपरेशन हुआ है या जो आपकी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हुई है, उसका कारण क्या था, यानी कि किस कारण के लिए या किस इंडिकेशन के लिए आपकी सर्जरी की गई थी। यदि आपकी ओवेरियन सिस्ट था या पॉलिप था या और कुछ ऐसी बीमारी थी जिसमें कि यूट्रस के ऊपर किसी प्रकार का कोई कट नहीं लगा है, कोई सूचर्स या स्टिचेस नहीं आए हैं, तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। जनरली उसमें अबॉर्शन के चांसेस काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, सर्जरी की वजह से अबॉर्शन के चांसेस नहीं होते हैं। लेकिन यदि आपकी ऐसी कोई सर्जरी हुई है जिसमें कि बच्चेदानी के ऊपर रिपेयर किया गया, सूचर लगाए गए हैं, स्टिच लगाए गए हैं, जो कि जनरली जैसे बच्चेदानी के अंदर गांठ होती है या बच्चेदानी के अंदर कोई क्लॉट इकट्ठी हो गए हैं या बच्चेदानी किसी कारणवश फट गई थी जिसको रिपेयर किया गया है, बच्चेदानी की कोई प्रेगनेंसी इस तरीके से हो गई है कि कोने के अंदर जाकर कि जहाँ पे प्रेगनेंसी को निकाल कर फिर उसको रिपेयर किया गया, तो ऐसे बहुत से इंडिकेशंस हो सकते हैं जहाँ बच्चेदानी के ऊपर स्टिचेस लगते हैं। ऐसी स्थिति में हमें प्रेगनेंसी होने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, कम से कम 2 से 3 महीने रिपेयर के लिए, यानी कि बच्चेदानी को हील करने के लिए हमें देने पड़ते हैं। यदि अपने जल्दी प्रेगनेंसी प्लान कर लेते हैं तो बच्चेदानी फटने का खतरा बन जाता है और अबॉर्शन के खतरा भी बढ़ जाता है। दूसरा, यदि बच्चेदानी के अंदर यदि सेप्टम था, यानी कि पर्दा था, और उसको कट किया गया है और बच्चेदानी को अंदर से रिपेयर किया गया है, तो ऐसी स्थिति में भी कई बार बच्चेदानी अंदर से चिपक जाती है या अंदर का लेयर का ग्रोथ पूरा नहीं हो पाता है। और ऐसी स्थिति में जब प्रेगनेंसी या तो नहीं होती है जल्दी से, या फिर अगर प्रेगनेंसी होती तो कई बार अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में भी अंदर की लेयर का हीलिंग होने का पूरा टाइम 1 से 2 महीने का बच्चेदानी को, यानी कि यूट्रस को मिलना चाहिए, उसके बाद ही प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए। इसके अलावा यदि आपकी सर्जरी एंडोमेट्रियोसिस के लिए हुई है, जिसमें कि ओवरी के अंदर चॉकलेट सिस्ट हो सकती है या यूट्रस के ऊपर एंडोमेट्रियोटिक पैचेस हो सकते हैं या इंटेस्टाइन के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में आपको प्रेगनेंसी जल्दी प्लान कर लेनी चाहिए, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी है जो बार बार होती है और महीना आने के कारण बनती है। एंडोमेट्रियोसिस का एक पूरा सेपरेट वीडियो हमने बना रखा है कि जो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब वहाँ जाकर एंडोमेट्रियोसिस को तो पूरा समझ ही सकते हैं, लेकिन एक बात जो हम यहाँ समझाना चाहते हैं कि यदि एंडोमेट्रियोसिस के लिए सर्जरी हुई है और आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी है, तो आप जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी प्लान कर लीजिए, क्योंकि बीमारी दोबारा से बन जाती है और इसकी वजह से बाद में प्रेगनेंसी होने में तकलीफ आती है। और एंडोमेट्रियोसिस का यदि ट्यूब के अंदर ब्लड भरा है या ओवरी के अंदर प्रॉब्लम है, तो ऐसी स्थिति में अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए जैसे ही सर्जरी होती है तो पूरा क्लीन हो चुका होता है ट्यूब का अंदर से मटेरियल, ओवरी बिल्कुल हेल्दी हो चुकी होती है, तो आप तुरंत प्रेगनेंसी प्लान करेंगे तो अबॉर्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से कॉमनली जब यूट्रस या ओवरीज की सर्जरी होती है, तो ओवरी की सर्जरी इतने मायने नहीं रखती है जितना कि यूट्रस की सर्जरी मायने रखती है। और इसके साथ ही यदि ट्यूब में कोई ब्लॉकेज था, ट्यूब का ब्लॉकेज खोला गया है, तो उसके भी अगले महीने में ही आप प्रेगनेंसी प्लान कर लें तो बेटर रहता है, क्योंकि यदि ट्यूब अंदर से वापस चिपक जाती है तो प्रेगनेंसी होने के साथ ही साथ एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का खतरा बढ़ जाता है, जिसमें कि बच्चा ट्यूब के अंदर लग जाता है और कई बार वो ट्यूब फट जाती है, तो ऐसी स्थिति में आपको जान का खतरा हो सकता है, तो उसमें भी आपको प्रेगनेंसी जल्दी प्लान कर लेनी चाहिए। तो इस तरीके से एक बात ये क्लियर है कि दूरबीन के ऑपरेशन से डायरेक्टली अबॉर्शन के चांसेस नहीं बढ़ते हैं, लेकिन यदि सर्जरी यूट्रस की हुई है तो अबॉर्शन के चांसेस हो सकते हैं। और कुछ सर्जरीज ऐसी होती हैं जो कि अबॉर्शन रेट को कम करने के लिए करी जाती है। प्रेगनेंसी होने के बाद बेबी की ग्रोथ रेट भी नॉर्मल रहती है, यानी अबॉर्शन के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप दूरबीन का ऑपरेशन आपने करवाया है तो आप बेफिक्र रहिए, चिंता ना कीजिए और निश्फिक्र होकर प्रेगनेंसी प्लान कर सकती हैं और आगे बेबी कैरी ऑन कर सकती हैं। लेकिन एक आध स्थिति जो हमने आपको बताई है वीडियो के अंदर, यदि यूट्रस पे रिपेयर के लिए स्टिचेस लगाए गए हैं, तो 1 से 2 महीने का वेट मिनिमम करना होता है ताकि बच्चेदानी का आगे किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। अगर आपका और भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकती हैं।
हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे और आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।